गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन की बात करने वाली हूँ जो कि एक्ने पिंपल के लिए काफ़ी अच्छी है। तो जो लोग भी एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं उन्होंने इस जेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो है ये क्लेंडेक ए क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल। आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो इस जेल को रेकमेंड ज़रूर करेंगे। तो काफ़ी अच्छी है और इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे काम करती है, ये सारी बातें आज के वीडियो में करने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जेल के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है जिसको आप यूज़ करेंगे तो जो भी बैक्टीरियाज हैं जिनके कारण आपको एक्ने पिंपल हो रहे हैं उनको ये किल करता है। एक्टिव पिंपल्स को तो कम करता ही करता है, साथ ही साथ आगे भी जो पिंपल्स होने वाले हैं उनको भी रोकता है। ये जो जेल है एक्ने पिंपल को कम करता है, उसको दूर करता है, पर ये दाग धब्बों पे काम नहीं करेगा, ना ही पिगमेंटेशन मतलब स्किन रिलेटेड और जो भी सारी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको ये दूर नहीं करता है। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स किसी पे भी काम नहीं करेगा। ये सिर्फ आपके पिंपल के साइज़ को धीरे धीरे कम करेगा और 3-4 दिन में ही आपके पिंपल गायब हो जाएंगे। अच्छा, एक रात जब आप इसको लगाओगे तो आपके स्किन पर कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसलिए इस प्रोडक्ट से इतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि एक रात में ही आपके पिंपल गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करोगे 5-6 दिन में आपको असर दिखने लगेगा। बहुत सारे लोगों को रेटिनॉल, ट्रेटिनोइन, रेटिनोल ए ये सूट नहीं करता है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि उनको सूट नहीं करता है क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है। इसको सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी माइल्ड है और ये माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने पिंपल पे ही काम करेगा। बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं अगर आपको तब ये काम नहीं करेगा। दिन में, रात में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दिन में यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिए। इसको लगा लीजिए, इसको सेट होने दीजिए, उसके बाद आप अपने पसंद का जो भी सनस्क्रीन सूट करता है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही नाइट में आप इसको ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं। और अगर आपको इसको लगाने के बाद ड्राइनेस लगती है, आपको लगता है कि आपको अपना मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, तो आप इसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र लगा के रख सकते हैं। एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऑल्टरनेट डेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, जैसे आपको पसंद है आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसको कब तक यूज़ करना है। तो आप 1 महीने इसको यूज़ कर लीजिए या फिर जब तक कि आपका ये पैक ख़त्म नहीं होता, जब तक आप इसको यूज़ कर लीजिए, या जैसे ही आपके एक्ने पिंपल ख़त्म होते हैं तो आप इसको यूज़ करना बंद कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि हमेशा आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो या फिर एज अ फेस जेल आप इसको हमेशा ही यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ आपके एक्ने पिंपल को कम करेगा और सारे काम तो करता ही नहीं है। और सिर्फ आपकी स्किन को एक्ने पिंपल कम ही नहीं करने हैं, आपकी स्किन को दाग धब्बे, आपको आपकी स्किन से दाग धब्बे भी दूर करने हैं, पिगमेंटेशन भी दूर करना है, इसको ग्लोइंग करना है, तो आपको दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। इस जेल को लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो रही है, रेड हो रही है, इचिंग हो रही है, तो मतलब ये जेल आपको सूट नहीं कर रही है और आपको इसको लगाना बंद कर देना है। जेल को आप चाहें तो अपने पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर जहाँ जहाँ पिंपल्स हो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरे फेस पे ही अप्लाई करती हूँ। तो इस जेल को जब मैंने यूज़ किया तब मुझे बहुत सारे पिंपल्स थे, तो तब मुझे समझ नहीं आया इसने कुछ काम भी किया या नहीं। फिर अभी 4-5 दिन पहले से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया क्योंकि मुझे एक दो दाने हो रहे थे, तब मैंने इसको लगाना शुरू किया। तो 3-4 दिन में ही जो पिंपल का साइज़ है वो धीरे धीरे कम हो गया और बाकी पिंपल्स भी नहीं आए और जो छोटे छोटे दाने थे वो भी कम हो गए। तो काम तो करता है, कुछ तो खास बात है, इसीलिए सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं इसको यूज़ करने के लिए भी। तो कुछ तो खास बात है इसमें, एक्ने पिंपल को दूर करता ही है। और सेंसिटिव स्किन वाले या जिनको भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो सूट नहीं करती, जैसे कि बेंजोइल परऑक्साइड हुआ, रेटिनॉल हुआ, ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हर कोई यूज़ करता है जिनको एक्ने पिंपल हो जाते हैं, तो अगर वो सूट नहीं करता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, एक्ने पिंपल को दूर करेगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। 1 वीक में आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और काफ़ी हद तक ये आपके एक्ने पिंपल को दूर कर देगा।
आप इसको ट्राई कर सकते हो। नहीं है कि आप ये क्लिंडेक ए जेल ही परचेज करें, जो भी जेल हो जिसमें क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है आप वो जेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास में आप वो यूज़ कर सकते हैं जिसमें क्लिंडामाइसिन हो। ओके, और इस अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो आप। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।